कुक विद पारुल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट रेसिपी की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हाय एवरीवन, मैं हूँ पारुल और आपका कुक विद पारुल में बहुत स्वागत है। डोसे सभी को बहुत पसंद होते हैं, लेकिन डोसे को तवे पर से उतारना एक बहुत ही ट्रिकी काम है। सभी व्यूअर्स के ज्यादातर यही सवाल मुझसे होते हैं कि लोहे के तवे पर डोसा किस तरह बनाएं कि वो चिपके नहीं, नॉनस्टिक तवे पर डोसा किस तरह बनाएं कि वो उस पर स्टिक ना हो। तो आज मैं आपको वही कुछ ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ कि आप लोहे के तवे पर और नॉनस्टिक तवे पर किस तरीके से डोसा बना सकते हैं बगैर चिपके हुए, और कितनी आसानी से लोहे के तवे पर से भी डोसा उतर जाता है और नॉनस्टिक पर से भी। लेकिन इसकी कुछ ट्रिक्स होती हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आप लोहे के तवे यानी रोटी वाले तवे पर आप डोसा कैसे बना सकते हैं। ये बहुत ही ट्रिकी काम है, क्योंकि ज्यादातर जब भी आप लोहे के तवे पर डोसा बनाते होंगे अक्सर वो चिपक जाता होगा। तो ऐसा ना हो इसके लिए हमें क्या करना है। सबसे पहली चीज, मेरी आपको एक एडवाइस है कि हमेशा रोटी का तवा और जो आप जिस पर डोसा बनाते हैं वो तवा अलग रखिए। अगर लोहे का ही है तो उसका स्केलेट यानी कि तवा डोसे का अलग रखिए, लोहे का, और रोटी बनाने का अलग रखिए। ये सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि जब हम रोटी बनाते हैं लोहे के तवे पर तो चारों तरफ से तवा ज्यादातर जल जाता है और एक पपड़ी बन जाती है। उस पर जब भी आप डोसा बनाएंगे सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं कि डोसा चिपकेगा। तो इस तरीके से मैंने भी तवा लोहे का एक छोटा ले रखा है और मैंने डोसे के लिए इसे अलग रखा हुआ है। मैं रोटी ज्यादातर इस पर नहीं बनाती हूँ। तो इसको मैं किस तरीके से सीजन करूँ, यानी आयरन तवे को किस तरीके से हम सीजन करें। सबसे पहले आप तवे को बिल्कुल अच्छी तरीके से वॉश कर लीजिए, जैसे मैंने किया हुआ है, और तवा बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। यहाँ पर पपड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पर कुछ भी जमा हुआ है, तेल वगैरह, तो सबसे पहले आप तवे को साफ कीजिए। और लोहे के तवे को कैसे साफ किया जाता है इसका वीडियो मैंने अपने चैनल पर शेयर किया है। आप मेरे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं कि काले गंदे लोहे के तवे को आप किस तरीके से चिकना और साफ करें। तो इस तरीके से बिल्कुल स्मूथ फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए तवा। अब हम तवे को बिल्कुल लो हीट पर गर्म करेंगे, एकदम लो कर देंगे हीट को और इसको हम गर्म होने देंगे। अब जब तवा लो हीट पर गर्म हो रहा है तब हम इसके ऊपर डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल और अच्छी तरीके से एक पेपर टॉवल से या किसी भी कपड़े से आप उसको पूरा कोट करेंगे ऑयल को। बढ़िया तरीके से तवे को अच्छी तरीके से वाइप कीजिए इस तरीके से। और अब हम तवे को गर्म होने देंगे जब तक कि हल्का इसमें धुआं ना उठने लगे। ये मैं प्रोसेस बता रही हूँ कि आप किस तरीके से लोहे के तवे को नॉनस्टिक बना सकते हैं। देखिए, धुआं इसमें से हल्का हल्का आना शुरू हो गया है, गैस को ऑफ कर देंगे और अब इसको एक कपड़े से हम अच्छी तरीके से पोंछेंगे, हल्का ठंडा होने देंगे। ये जो हमने ग्रीसिंग की और उसके बाद इसमें से धुआं निकला, जो हमने इसको लो हीट पर गर्म किया, इस तरीके से इसमें एक नॉनस्टिक कोटिंग बन गई। अब देखिए, तवा हल्का अभी गर्म है, थोड़ा ठंडा हो चुका है। गैस को ऑन करते हैं और फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और वापस इसको हल्का गर्म करेंगे। अब कुछ बूंद ऑयल की हम फिर से डालेंगे और पेपर टॉवल से पोंछेंगे। जो फर्स्ट स्टेप मैंने किया था उससे नॉनस्टिक लेयर इसमें बन गई थी। अब हम बनाने जा रहे हैं डोसा, तो हमें सबसे पहले वापस इसको हल्का गर्म करना है, थोड़ा ऑयल डालना है, इस तरीके से हमें पोंछना है। तवा हल्का गर्म है, हमने ऑयल लगा दिया है, अब इस पे हम डालेंगे पानी की छींटे इस तरीके से। और देखिए, पानी एवोपरेट हो गया है, इसका मतलब तवा बिल्कुल परफेक्ट है डोसा बनाने के लिए। फ्लेम को लो टू मीडियम के बिल्कुल बीच में रखिए, ज्यादा तेज नहीं, बहुत ज्यादा लो भी नहीं। अब इस पे हम डालेंगे डोसा बैटर, इस तरीके से बैटर लीजिए, बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। और अब हम इसको घुमाएंगे इस तरीके से, चारों तरफ घुमाकर बीच में एक बार घुमा दीजिए और फ्लेम को मीडियम कर दीजिए। अब आप देख रहे हैं इसमें बबल्स आ गए हैं, इसका मतलब
डोसा जो हमने डाला है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमने तवे पर डाला है और अब चांसेस डोसे के चिपकने के भी नहीं है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा ऑयल चारों तरफ और थोड़ा बीच में। और अब आप देखिएगा कि डोसा कितनी अच्छी तरीके से बिल्कुल नॉन स्टिक तवे की तरह उतरेगा ये। और ये देखिए, आप देख सकते हैं साइड से डोसा अपने आप ही उठने लगा। फ्लेम को मैंने लो कर दिया है अब, क्योंकि अच्छी तरीके से इसमें कलर आ गया है। ये देखिए, अब हमें क्या करना है, अगर आपका डोसा इस तरीके से नहीं उठ रहा है, आप लीजिए थोड़ा पानी, डोसा जिस फल्टे से आपको तवे पर से उठाना है उसको इसमें इस तरह डिप कीजिए। डिप करके अब जब आप इसको उतारेंगे तो चांसेस बिल्कुल नहीं है कि वो चिपकेगा इस तरीके से। ये देखिए, और ये आपका डोसा बिल्कुल तैयार है, एकदम क्रिस्पी बना है, ये देख सकते हैं आप, और इतनी आसानी से उतर गया। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है अपने लोहे के तवे को नॉनस्टिक बनाने का। बिल्कुल इसी तरीके से हम दूसरा डोसा डालेंगे। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ लोहे के तवे पे दूसरा मेथड कि किस तरीके से आप डोसा बना सकते हैं बिना चिपके हुए। दूसरे मेथड में आप इस तरीके से प्याज लीजिए, प्याज को आधा काटिए और एक फॉर्क को उसमें फिट कर लीजिए इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, हम लेंगे ऑयल इस तरीके से आप देख सकते हैं, और इसमें प्याज को डिप करेंगे। इससे दो फायदे होते हैं, एक तो तवा बहुत अच्छा सीजन्ड हो जाता है यानी उस पर डोसा चिपकता नहीं है, दूसरा ऑयल भी कम लगता है। फ्लेम को ऑन करेंगे और तवे को हल्का गर्म होने देंगे। तवा हल्का गर्म हो गया है, अब जो प्याज हमने डिप की थी ऑयल में उसको इस तरीके से घुमाएंगे। आप यहाँ पर आधा आलू भी ले सकते हैं प्याज की जगह पर। बिल्कुल बढ़िया तरीके से पूरा ग्रीस करेंगे तवे को। फ्लेम को मैंने लो कर दिया है। इस तरीके से हल्का पानी डालेंगे, पानी एवोपरेट हो गया, इसका मतलब तवा बिल्कुल परफेक्ट है। अब इस पर हम डालेंगे बैटर और घुमाएंगे। फ्लेम को अब हम मीडियम कर देंगे इस तरीके से। ऑयल डालेंगे या आप घी भी डाल सकते हैं। फ्लेम मैंने मीडियम कर दी है। आप देख सकते हैं अच्छा कलर हमें दिख रहा है नीचे से। अब हमें क्या करना है, पानी लेंगे एक बोल में और हल्का सा आप जिससे आप स्पून से उसको उठाने वाले हैं उस स्पून को थोड़ा डिप कीजिए और इस तरीके से घुमाइए। तो जहां से भी थोड़ा डोसा चिपक रहा होगा वो उठ जाएगा। ये देखिए, और अब हम इसको टर्न कर देते हैं और डोसा ये देख सकते हैं आप बिल्कुल तैयार है, कितना बढ़िया और क्रिस्पी। तवे को ऑफ करते हैं। अब आपको क्या करना है कि जब आप दूसरा डोसा बनाएं तो वापस फ्लेम को लो कर देंगे और प्याज को इसी तरीके से हम घुमाएंगे। बिल्कुल जितनी बार भी आप इस पर डोसे डालेंगे आपको हर स्टेप पे ये हर डोसे बनाते वक्त आपको एक बार इस तरीके से तवे पर प्याज को घुमाना है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। दूसरा ये, जब आपके डोसे बन जाए गैस को ऑफ करके तवे को बिल्कुल ठंडा होने दीजिए। जब ये ठंडा हो जाए तब अच्छी तरीके से वॉश करके सूखे कपड़े से पोंछ दें और थोड़ा ऑयल डाल करके तवे को पोंछ करके रख दें, तो इससे इसमें रस्ट नहीं आएगी और तवा भी बिल्कुल क्लीन बना रहेगा। लोहे के तवे से रिलेटेड मैं एक ट्रिक आपको और बता देती हूँ। जो चीज़ें मैंने बताई हैं उसके बाद भी अगर आपके तवे पर डोसा चिपक रहा है तो आप क्या कीजिए, तवे को फ्लेम पर से उतार करके ठंडा होने दीजिए। उसके बाद आप आटा लीजिए जिससे हम रोटी बनाते हैं, आटे को तवे पर डालिए और उसके बाद हाथ से इस तरीके से आटे को रगड़िए, तवे पर अच्छी तरीके से रब करिए। ये बहुत ही अच्छी मैजिकल ट्रिक है। इससे जब आप दोबारा इस तवे पर डोसा बनाएंगे तो डोसा बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। तो इस तरीके से उसको आप 2 मिनट रगड़िए अच्छी तरीके से साइड्स को भी,
मैंने आटा झाड़ दिया है और अब हम एक टॉवल से या किसी भी कपड़े से तवे को अच्छी तरीके से पोंछ लेंगे। अब ये तवा रेडी है डोसा बनाने के लिए। पोंछ करके आप जिस तरीके से मैंने बताया था उसी प्रोसीजर से आप अब इस पर डोसा बना सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप नॉन स्टिक तवे पर डोसा किस तरह बनाएं। नॉन स्टिक तवा भी क्लीन होना चाहिए। अगर उस पर लेयर ऑयल की जमा है तो पहले उसको आपको साफ करना होगा। गैस को ऑन कीजिए, फ्लेम को लो रखिए और तवे को गर्म होने दीजिए। ज्यादातर तो नॉन स्टिक पर डोसा चिपकता नहीं है, तो अगर आपके फिर भी नॉन स्टिक पर डोसा चिपक रहा है तो जो प्रोसेस मैं बता रही हूँ आप उस तरीके से फॉलो करें। हल्का गर्म कर लें तवे को। अब इस पर एक तरीका है, थोड़ा ऑयल डालिए और पेपर टॉवल से पोंछ दीजिए। तवे को बिल्कुल स्मूथ कर लीजिए ग्रीस करके, और जब तवा गर्म हो जाए तब आप उस पर थोड़ा पानी डालकर दीजिए। पानी एवोपरेट हो गया है, तवा बिल्कुल परफेक्ट है डोसा बनाने के लिए। तो अब हम इस पर डालेंगे डोसा बैटर। फ्लेम को मीडियम कर देंगे इस तरीके से, ऑयल डालेंगे चारों तरफ थोड़ा और इसको सिकने देंगे। आप देख सकते हैं कि डोसा खुद ही चारों तरफ से उड़ गया है। और अब हम डोसे को पलटेंगे और ये देखिए बिल्कुल क्रिस्पी डोसा एकदम तैयार है। ये देखिए, अब देखिए इसको लो फ्लेम पर मैंने रखा हुआ है। थोड़ा सा पानी डालकर देखते हैं, वाटर बबल्स एवोपरेट हो रहे हैं, इसका मतलब डोसे का तवा परफेक्ट है। यहाँ पर आप जो मैंने आपको बताया था कि प्याज को इस तरीके से फॉर्क पर फिट करके और ऑयल में आप डिप करें और तवे पर घुमाएं। इस तरीके से अब इस पे हम बैटर डालेंगे। फ्लेम को मीडियम कर देंगे। तवा अगर थोड़ा ज्यादा ठंडा हो जाएगा तो बैटर चिपकेगा, इसलिए टेम्परेचर तवे का बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। आप देख सकते हैं अच्छा कलर आने लगा है और डोसा भी अपने आप देखिए उठ रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है तवे की सीजनिंग करने का। अब इसको हम टर्न करते हैं। ये देखिए, गैस को ऑफ करते हैं, डोसा बिल्कुल रेडी है। अब हमें क्या करना है कि हमें तवे को बिल्कुल ठंडा होने देना है, क्योंकि हमारा काम खत्म हो चुका है। और तवा ठंडा हो जाए तो फिर अब उसको हम अच्छी तरीके से किसी भी डिश जेल से या बर्तन धोने वाले अच्छे साबुन से उसको सॉफ्टली क्लीन करेंगे स्पंज से, और क्लीन करके अच्छी तरीके से सूखी टॉवल से पोंछ करके उसको रख देंगे। तो इस तरीके से नॉनस्टिक तवे की लाइफ भी एक्सटेंड होती है। और कभी भी नॉनस्टिक तवे पर किसी भी स्टील के स्क्रबर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं नॉनस्टिक तवे पर और लोहे के तवे पर किस तरीके से और इतने बढ़िया डोसे बने हैं, बिल्कुल क्रिस्पी और सॉफ्ट भी। तो एक बार आप इस ट्रिक्स को जरूर अप्लाई करें और मुझे उम्मीद है अब आपके डोसे भी नहीं चिपकेंगे, चाहे आप लोहे के तवे पर बनाएं या नॉनस्टिक तवे पर। लेकिन जो मैंने केयर कुछ बताई है आपको लोहे के तवे की और नॉनस्टिक तवे की, प्लीज आप उनको फॉलो करें तो इस तरीके से आपके डोसे कभी नहीं चिपकेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल।